हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ईस्टर्न होंडा में आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहले द होंडा एलिवेट। तो चलिए शुरू करते विद द वीडियो, नहीं फर्दर डू विद द इंट्रो। This is the Honda Elevate और यह है इसका चाबी। टिपिकल होंडा की आपको देखने को मिल जाएगा, पीछे की तरफ होंडा का लोगो, सामने की तरफ लॉक एंड अनलॉक का बटन। अनलॉक करते ही जैसे कि आप देख पाए, दो आर द इंडिकेटर्स और यही है आपका DRL। हेडलाइट्स की तरफ देखें तो आपको दो इंडिविजुअल प्रोजेक्टर सेटअप में देखने को मिल जाएगा विथ फोर इंडिविजुअल सेटअप, मतलब एक दो तीन चार, एक दो तीन, मतलब चार लाइट्स तीन लाइट्स ऐसे सेग्रीगेट किया गया है इस हेडलाइट के अंदर। सामने की तरफ आपको एक बहुत ही बड़ा सा बोल्ड सा रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाएगा विद द ब्यूटीफुल होंडा का लोगो। यहाँ से आपको एक क्रोम पैच भी देखने को मिलेगा जो यहीं तक आपको आके ख़त्म हो जाता है। नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प्स देखने को मिलेगा विद दैट क्रोम इंसर्ट। यहाँ पे भी आपको क्रोम का एक छोटा सा इंसर्ट दिया गया है टू यू नो एलिवेट द लुक। नीचे की तरफ आपको सिल्वर में कफ प्लेट देखने को मिलेगा जो बहुत ही यूनिक सा लुक प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा स्पोर्टी भी बना देता है इस गाड़ी को सामने से। बोनट की तरफ जाऊं तो आपको सिर्फ दो डिप्स देखने को मिलेगा जो इस गाड़ी को एक रजिट से लुक दे देता है और बहुत ही मतलब क्या बोलूं, एक अच्छा SUV स्टांस इस गाड़ी को प्रोवाइड कर देता है। आपको इसमें ADAS लेवल 2 देखने को मिल जाएगा, सेंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हाई क्वालिटी वाइपर्स और वॉशर्स जो है आपके वो यहाँ पे दिए गए हैं। एज यू कैन सी देयर यू गो, एज ए होल सामने से ही ऐसा दिखता है। नीचे की तरफ भी आपको रेडिएटर कूल करने का ग्रूव्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टोइंग हुक भी देखने को आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार हेडलैम्प्स ऑन करके दिखाता हूँ। देयर यू गो, दिस इज द हेडलैम्प का सेटअप। जैसे कि मैंने आपको बोला 1, 2, 3, 4 LED और यहाँ पे 3 LED प्रोजेक्टर सेटअप में आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ जो फॉग लैम्प है, और यह है इसका फॉग लैम्प जो व्हाइट LED में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो दिस इज द लुक एट अ ग्लांस। तो ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल और चलिए चलते इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। सो गाइस, दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। चलिए शुरू करते विद द व्हील्स। बहुत ही अच्छा सा डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल के बारे में बताओ तो 215x55R17, सो 17 इंच का व्हील्स है। सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ड्रम ब्रेक्स ही प्रोवाइड किया गया है। इस गाड़ी में बहुत ही अच्छा सा SUV स्टांसेस दिया गया है। यहाँ पे एलिवेट का बैजिंग विद अ क्रोम फिनिश, ओवर व्हील में भी आपको छोटा सा क्रोम दिया गया है। बेसिकली दिस कार इज इक्विप्ड विद द क्रोम पैकेज, आपको इसमें क्रोम पैकेज देखने को मिल रहा है। आपको ये सब अलग से फिटमेंट हिसाब से लगवाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको रेन वाइजर भी दिया गया विद द क्रोम इंसर्ट, ये भी आपको एक्स्ट्रा फिटमेंट भी लगवाया जाएगा। लेकिन विंडो के नीचे जो क्रोम लाइन दिया गया दैट इज स्टैंडर्ड। ग्रैब हैंडल्स भी आपको क्रोम में दिया गया अलॉन्ग विद द फिजिकल की इंसर्ट और रिक्वेस्ट सेंसर इन बोथ द डोर्स, ड्राइवर एंड पैसेंजर। इंटीरियर देखे होगा इस, जल्दी से बाहर का कंप्लीट करके इंटीरियर में चलता है। तो नीचे की तरफ देखिए, आपको बॉडी कलर में एक साइड क्लैडिंग प्रोवाइड किया गया है और उससे भी नीचे आपको एक सिल्वर में फिनिश दिया गया है विद प्लास्टिक व्हील आर्चेस। ये पूल फुल ओवर फुल गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेड एंड एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक अलग सा एलिमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द कार एट अ ग्लांस। सेफ्टी के बारे में बताओ तो दीज आर द की 6 सेफ्टी फीचर्स और ये आप ऑरेंज कलर में अभी इस गाड़ी को देख रहे हो। अदर कलर्स ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर आर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। पीछे का जो लाइट है वो थोड़ा बहुत साइड पे भी मर्ज होता है। और कैरेक्टर लाइंस की बात करो तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही एलिगेंट सा लुक आपको दिया गया है। सो गाइस, ये था इसका साइड प्रोफाइल के बारे में एज वेल। इंडिकेटर्स
ऑन कर दिया गया है, सामने भी आप देख सकते हो। तो ये था इसका साइड प्रोफाइल गाइज। अब चलिए चलते इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। सो गाइज, दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार। जैसे कि आप देख पाए वो लाइट्स जल रहे थे। ये कनेक्टेड लेंस आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फुल्ली एलईडी में आपको रेड लैंप्स देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग हैलोजन सेटअप्स। देयर यू गो। नीचे की तरफ आपको एलिवेट का बैजिंग, एक क्रोम बैंड भी देखने को मिलेगा अक्रॉस द बूट। दिस इज अगेन इक्विप्ड विद द क्रोम पैकेज, दैट्स वाई। रियर में आपको एमिनिटीज़ के बारे में बताओ तो आपको रियर का वाइपर, डिफॉगर एंड हाई माउंट स्टॉप लाइन अलॉन्ग विद द वॉशर फॉर द वाइपर, शार्क पिन एंटेना भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आईवीटेक का बैजिंग। नीचे की तरफ आपको दो रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे एंड पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे आपका रियर पार्किंग कैमरा। नीचे की तरफ ये रहा आपका एग्जॉस्ट पाइप, टोइंग हुक, और ये क्रोम का और क्रोम एलिमेंट्स ऐड किया गया है जस्ट फॉर लुक्स। सिल्वर में स्कफ प्लेट भी दिया गया है। ये पार्किंग सेंसर्स काइंड ऑफ हिडन है तो आपको दिखेंगे नहीं, विच इज़ अ गुड प्लस पॉइंट। तो इस कमेंट में बताइए मुझे कि आपको कैसा लग रहा है ये गाड़ी, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कार्स फ्रॉम होंडा आई हैव एवर सीन। तो चलिए आप इसके बूट को खोलते हैं। सो दिस इज द बूट स्पेस ऑफर। यहाँ पे आपको बूट लैम्प देखने को मिलेगा, यहाँ पे टोइंग हुक, नॉट टोइंग हुक सॉरी पार्सल हुक इन बोथ द साइड्स। यहाँ पे आपको एक मैट भी प्रोवाइड किया गया है, ऑफकोर्स आपको ये अलग से लेना होगा। और इसका जो व्हील है वो नीचे दिया गया है अलॉन्ग विद द टोइंग हुक। क्यों मैं टोइंग हुक बोल रहा हूँ बार बार, आई एम सो सॉरी। अलॉन्ग विद द किट्स, टूल किट्स, बहुत ही अच्छा सेटअप दिया गया है। ये बैठ गया, ये भी बैठ गया। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट्स दिया गया है पीछे की तरफ, सो आप इसको टपल डाउन करके और भी लगेज स्पेस बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे दिया इसका ग्रैब हैंडल। तो चलिए इसको बंद करते एंड चलिए चलते इस गाड़ी के अंदर। तो गाइस अब चलिए चलते इसके अंदर। वैसे गाइस दिस इज द अमेज, वो भी होंडा अमेज है, ये होंडा सिटी है। अगर आपने होंडा अमेज का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। और रिसेंटली मैंने होंडा अमेज परचेज भी किया है, उसका भी व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी आप आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। मेरी गाड़ी वैसे वहाँ पे खड़ी है, दैट्स माई कार। इसका व्लॉग नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लो। और अब चलिए चलते इस गाड़ी के अंदर, स्टार्टिंग विद द ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे आपको फुल टैन लेदर में फिनिश दिया गया है अलॉन्ग विद द स्टिचेस। यहाँ पे ग्रैब हैंडल में भी आपको लेदर फिनिश दिया गया है। विंडो के कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन, पैसेंजर साइड एंड पीछे का आपको नॉर्मल मिलने को मिलेगा। इससे आप इस मिरर को फोल्ड ORVM के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया ट्विटर स्पीकर, एलिवेट का स्कफ प्लेट जो आपका ग्लो करता है, विच इज़ वेरी गुड। नीचे बॉटल स्पेस, सम स्पेस इज ऑल्सो गिवन। ये इसका इंटीरियर एट अ ग्लांस, बहुत ही खूबसूरत सा इंटीरियर है। फुल लेदर एड इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा इन टैन कलर। यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश दिया गया है, लेकिन सीट्स आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो अब चलिए चलते इस गाड़ी के अंदर। तो गाइज हियर आई एम इनसाइड द कार। होंडा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा आते ही। चलिए बैटरी को ऑन करते हैं। आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा और दिस इज द टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। गाड़ी का बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन आपको दिखा दिया, एंड दैट्स द कार। ऐसे आपको वेलकम करता है ये। आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सेटअप दिया गया है आपको। एक और बार दबा देते हैं। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुल स्वाइप देखने को मिल जाएगा। ये पार्ट डिजिटल है, ये एनालॉग है। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया गया है, फेमिलियर फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन होंडा सिटी। ऊपर की तरफ आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाएगा और वो भी फ्रेमलेस। यहाँ पे दिया गया आपका लाइट्स के कंट्रोल और दिस इज द सनरूफ के कंट्रोल्स। देयर यू गो, दिस इज द सनरूफ ऑफ द कार। चलो अभी इसको बंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फुल्ली ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको एसी वेंट्स, एक थोड़ा सा वुडन फिनिश भी देखने को आपको मिल जाएगा। अलॉन्ग द फुल डैशबोर्ड आपको वही लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको वायरलेस मोबाइल फ़ोन का चार्जर, दो यूएसबी टाइप सी के यूएसबी का सॉकेट, और यहाँ पे दिया गया है इस वायरलेस चार्जर का ऑन ऑफ करने का बटन। यहाँ पे दिया गया है दो कप होल्डर्स, अगेन दैट वुडन फिनिश। सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ दिया गया आपका मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट विच इज ओपनेबल, स्लाइडेबल नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा विच इज नॉट, मतलब इसमें लाइट नहीं है और कूल्ड भी नहीं है। सन वाइजर्स में आपको मिरर्स देखने को मिल जाएगा फॉर बोथ ड्राइवर एंड द पैसेंजर। पैसेंजर के लिए आपको लाइट दिया गया है, लेकिन इसमें लाइट क्यों नहीं दिया गया है दैट इज आई डोंट नो, देना तो चाहिए था। यहाँ पे आपको भी ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा जस्ट लाइक द अदर डोर्स। दिस इज बेसिकली द वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये सिस्टम इक्विप्ड है, तो आई थिंक किसी का यहाँ पे एक्टिवेटेड है, मतलब किसी का कनेक्टेड है, दैट्स वाई किसी का कॉल आ रहा है, आई डोंट नो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका 12 वोल्ट पावर सॉकेट, देयर यू गो। तो गाइस ये था इसका फ्रंट का इंटीरियर का सेटअप। वैसे इसमें आपको प्रॉपर डेड पैडल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल लेने का जगह आई मीन, एंड दैट इज फॉर द बोनेट। यहाँ पे दिया है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, हेडलैम्प लेवलर, AC vent में आपको सिल्वर सा इंसर्ट देखने को मिल जाएगा विच इज रियली वेरी गुड। गाइज दिस इज द स्टीयरिंग व्हील जो आपको लेदर रैप ऑफकोर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल और यहाँ पे आपको एडेसिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है वाइपर के कंट्रोल ऑफकोर्स, और ये आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, देयर यू गो। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोट एडजस्टमेंट्स के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो दिस इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। और इसी तरफ आपको दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस का बटन जस्ट लाइक द होंडा सिटी। फिट एंड फिनिश इस गाड़ी का बहुत ही सही है। वैसे इसको फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम बोला जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। देयर यू गो, दिस इज द हॉर्न ऑफ द कार। इंटीरियर नो डाउट बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। सीटिंग कंफर्ट भी बहुत सही है, आपको अंदर था सपोर्ट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो ये था इसका फ्रंट इंटीरियर के बारे में। अब चले चलते इसके रियर सीट्स की तरफ। सो गाइज दिस इज द रियर साइड इंटीरियर एट अ ग्लांस, मेरा ही चीज़ें रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, दे यू गो। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विटर स्पीकर लेआउट मोडल सबको सेम मिलता है। फिर से लेदर का फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा, एलिवेट का स्कफ पेट विच इज इल्यूमिनेटेड। तो अब चले चलते इसके अंदर। आगे का सीट मेरे ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्टेड है, उसके बाद आई एम गेटिंग ample amount of leg room and knee room। And one more thing, ये जो नीचे का जो फ्लोर है ना, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से उठा हुआ है ताकि आपका पैर ना एकदम अच्छे से रख सकते हो आप, ताकि आपको कम्फर्ट की कोई भी गुंजाइश ना हो। आपको यहाँ पे मोबाइल रखने का जगह, मैगजीन पॉकेट इन बोथ द सीट्स आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग रियर एसी वेंट्स। नीचे की तरफ 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, सेंटर में हम बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका जो हेडरूम है वो मोर देन एनफ है फॉर मी, नी रूम लेग रूम तो आप देख ही लिए। अंदर की तरफ जो आपका अंदर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी है। ये सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, तो मिडिल में जो बैठेगा उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वैसे इसमें आपको सेंटर में आर्म रेस्ट भी दिया गया है अलॉन्ग विथ टू कप होल्डर्स और टू एडजस्टेबल हेड रेस्ट। ये हेड रेस्ट का जो शेप है ना बहुत ही अच्छा है, मतलब ये आपका सर को हिलने नहीं देगा। अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जाते हो और अगर ड्राइवर ने हार्ड कॉर्नरिंग करने का कोशिश भी किया तो आपका If you are sleeping, you will not get disturbed. यह इसका LED में lamps, grab handles, parcel tray वगैरह। यह इसका sunroof का setup. ऐसा दिखता है इसका dashboard from behind. तो ये था इसका rear seats के बारे में as well. अब चलिए चलते हैं आगे और सुना था आपको एक गाने का piece and then towards the heart of the car. ये था इसका साउंड सिस्टम, बहुत ही खूबसूरत साउंड सिस्टम है, बहुत ही अच्छा, आपको मजा आएगा इस गाड़ी में साउंड सिस्टम का गाने वाने सुनने में। तो हो गया, तो अब चलिए चलते इसके इंजन बे की तरफ। वैसे आपको नीचे की तरफ पेडल लैंप्स भी देखने को मिल जाता है, अंधेरे में आपको थोड़ा सहायता मिल जाएगा। तो अब चलिए चलते इसके इंजन बे की तरफ।
तो गाइज दैट वॉज द वीडियो फॉर द ऑल न्यू होंडा एलिवेट। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन दैट बेल आइकन फॉर एवरी नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल। बाय द वे ईस्टर्न होंडा का डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेरी मच थैंकफुल टू देम टू प्रोवाइड मी विद दिस कार ताकि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। एंड आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस गाड़ी के बारे में। एंड चले चलता हूँ अब, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए पीस।